सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत नेशनल हाईवे 44 पर बीसवा मिल चौक के पास मानवता शर्मसार हुई। यहां पर देर शाम एक युवक हादसे का शिकार हो गया और उसके बाद रात भर शव के ऊपर से गाड़ियां गुजरती रहीं। बताया जा रहा है कि मृतक प्रशांत गांव सेवली का रहने वाला था और वो नेशनल हाईवे 44 पर हादसे का शिकार हो गया था। इसके बाद किसी ने उसके शव तक की सूचना पुलिस को नहीं दी और सारी रात गाड़ियां उसके ऊपर से गुजरती रहीं। परिजनों का कहना है कि शव की हालत इतनी खराब है कि पहचान हो पाना मुश्किल है। वहीं पुलिस ने कहा कि गाड़ियां शव के ऊपर से गुजरने के कारण शव खराब हो चुका है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये तस्वीरें सोनीपत नेशनल हाईवे 44 की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस खड़ी हुई है और एक भाई अपने भाई के लाश के टुकड़ों को इकट्ठा कर रहा है। आपको बता दें कि गांव सेवली निवासी प्रशांत आयु 22 साल देर शाम घर से गायब था। मृतक के भाई मोनू ने बताया कि 8:30 बजे तक वो घर पर ही था और उसके बाद गायब हो गया। सुबह सूचना मिली कि उसकी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। जब यहां पर आए तो शव इतना खराब हो चुका था कि उसको पहचान पाना मुश्किल था। परिजनों का कहना है कि रात भर उसके ऊपर से गाड़ियां गुजरती रहीं। पुलिस जांच अधिकारी कुलदीप ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक युवक की हादसे में मौत हो गई। मृतक गांव सेवली का रहने वाला प्रशांत है और हादसे में मृत्यु के बाद उसके ऊपर से गाड़ियां गुजरती रहीं। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा मोनू नाम है। मोनू जी, क्या हुआ आपके भाई के साथ? जी रात को तो वो लेटा था, रात को मतलब अभी फिलहाल मिला नहीं, अभी सुबह सूचना मिली है ऐसे ऐसे यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है। अभी ये बता नहीं सकते कि वो है या नहीं, कन्फर्म नहीं है। तो रात को कितने बजे देखा था आपने अपने भाई को? रात को मेरे भाई को मैंने 8:30 बजे तक घर देखा था। हाँ, तो अब कितने बजे सूचना मिली आपको? अभी सुबह अभी फ़ोन आया जी, 10-15 मिनट पहले। अच्छा, तो लग रहा है उलिए से कुछ पहचान में आ रहा है? अभी कन्फर्म नहीं कर सकते। पहचान में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा जी। इतनी बुरी हालत है? हाँ। तो रोड पे रात से ही पड़ा है जी? मैं तो इस चीज़ को क्या बता सकता हूँ, अभी मेरे पास तो अभी फ़ोन आया था, वो ये कह रहे कि एक बार आके देख लें। तो आप प्रतिशत कहा जा सकता है लेकिन पक्का नहीं कह सकता, अभी कन्फर्म वो लड़का आएगा वही बताएगा उसके साथ। आपको अपने भाई की भी पहचान नहीं हो रही जी? पहचान इसकी हालत देखो ना, आप कैसे पहचान? पहचान नहीं हो रही? नहीं हो पा। तो पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है? अभी सर पापा जी आ रहे हैं वही बताएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा मोनू नाम है। आपका भाई का क्या नाम था? प्रशांत। कितनी उम्र थी इसकी? 22 साल। कहाँ के हो आप? सेवली। क्या हालात में व्यक्ति मिला? रात से गायब था, सेवली का व्यक्ति था, कितनी उम्र थी? सर उसकी नाम इसका प्रशांत है, पिता ने आपके पिता का नाम जगदीश है और ये गांव सेवली से, उसकी 22 साल है। सुबह हमारे घर पर मिस मिली थी भी, कोई एक्सीडेंट में तो है ना, यहाँ कोई डेड बॉडी पड़ी है तो हमने आगे देखा तो काफ़ी मतलब इसको काफ़ी डैमेज किया हुआ है गाड़ियों ने, कार्रवाई कर रहे हैं, शिनाख्त हो गया। ठीक, आपका परिचय जी? एएसआई कुलदीप खाना भाई। रात से गायब था जी, ये घर वालों ने बताया? आप बता रहे हैं कि रात से गायब था ये?